आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बत्रा साहब इस समय शहर में नहीं है, बाहर गए, और कल पिया रौनक को लेके घर से बाहर निकलने वाले हैं। हमारे लिए ये सबसे बढ़िया मौका रहेगा। सब कुछ इंदर और रिलेश की वजह से हुआ है, मगर ये बेशरम, ये तो जाएगा नहीं यहाँ से। मैं जाने ही वाला था। चुप कर। अरे अब रहने दीजिए ना, इसको आप बाद में डांट लीजिएगा, पहले ये तो सोचिए कि हम सोहना को कैसे ढूंढे। आप मेरी बहन दास्ती रही और तू? भैया छोड़ दीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? कैसे छोड़ दूं मैं? नहीं, कैसे छोड़ दूं? ये सब कुछ जानता था, हमारे घर आता जाता था, लेकिन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ये एक मिनट, सब कुछ जानता था ये। ऐसा नहीं है बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। इंदर, डॉक्टर को अपनी गलती का पछतावा है, वो यहाँ प्रायश्चित करने आए हैं। हाँ इंदर, इसलिए वो हमारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मुझे उस पत्रा का पता चाहिए। मैं जाऊंगा वहां पे, मैं देखता हूं पत्रा कितने पानी में। नहीं इंदर प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम अगर बत्रा के घर पहुंच गए ना, तो रौनक को हमेशा के लिए हाथ से खो बैठोगे। देखो इंदर, बत्रा साहब इस समय शहर में नहीं है, बाहर गए, और पिया भी घर में अकेली है। पर पिया के आसपास और घर के चारों तरफ गार्ड्स हैं बहुत, ऐसे में हम उनके घर में नहीं जा सकते। तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, क्या चाहते हो तुम? बैठे रहे, तमाशा देखिए यहाँ पर बैठ के। तो सुन लीजिए ना प्लीज। अरे क्या कहना चाहता है ये? बेटा एक बार उनकी बात तो सुन लो। देखो, कल पिया रौनक को लेके घर से बाहर निकलने वाले हैं। हमारे लिए ये सबसे बढ़िया मौका रहेगा। इस तरह से हम लोग रौनक को वहां से निकाल ले आएंगे। आपने अभी अभी कहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पे भी तो आ सकते हैं। वो लोग रौनक को यहां से भी तो लेके जा सकते हैं। वो पहले कर सकते थे, पर अब नहीं। मतलब ये रही सिटी, इसमें बत्रा के खिलाफ सारे सबूत रिकॉर्ड किए हैं। रौनक को उन्होंने किस तरह से अपने घर में बंधक बना के रखा है, सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड है। शशिकला जी बताइए, क्या आप जानती हैं कि मैं किससे प्यार करता था? हाँ, अब बताइए शशिकला जी। नहीं, पर इतना समझ गई हूं कि तुम जिससे प्यार करते थे उससे बहुत 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 प्यार करते थे। कैसे, आप कैसे समझ गई हैं सब? आप मेरे बारे में क्या जानती है जो ये सब कह रही है? किसी को जानने के लिए पूरी लाइफ टाइम नहीं चाहिए ईशान। आदमी किसी को दिल से समझता और किसी को दिमाग से। मैं तुम्हें दिल से समझ गई हूं, और वैसे भी हम लड़कियों में तो सिक्स सेंस होती है, हमें ऐसे ही पता चल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं? मैं तुम्हें जानती हूं ईशान,
और तुम्हें समझती भी हूँ। कितना जानती हैं आप मेरे बारे में? पूरा का पूरा। मैं भी? क्या मैं भी? मैं भी आपको जानता हूँ। हाँ, तुम भी मुझे जानते हो। क्या रिश्ता है हमारा? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। लो, फिर नाराज हो गए। चलो आइसक्रीम खाने चलते। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए। अब मैं तुम्हारी न्यू फ्रेंड बनी हूँ और मैं गर्ल भी हूँ, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई, है कि नहीं? तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते? हर रिलेशनशिप की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। चलो। फ्रेंड्स, चलो चलो मेरे भोलू पतिदेव। चलो मेरे भोलू बॉयफ्रेंड, चलो चलो चलो। बड़ी भाभी, क्या है ये सब? क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने वो इंदर को भी बड़ी तेजी से घर से बाहर जाते हुए देखा। इंदर? हाँ। वो कहाँ गए? अरे कहीं वो शिवराम के घर तो नहीं गया है सुहाना को ढूंढने के लिए? सुहाना को ढूंढने? क्यों, कहाँ गई सुहाना? अरे शिवराम के घर कैसे जा सकते हैं, वो सुहाना शिवराम के साथ थोड़ी ना है। अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ डांट ना खाने के चक्कर में भागा यहां से। सब कुछ इंदर और रिलेश की वजह से हुआ है, मगर ये बेशरम, ये तो जाएगा नहीं यहां से। मैं जाने ही वाला था। चुप कर। अरे अब रहने दीजिए ना, इसको आप बाद में डांट लीजिएगा, पहले ये तो सोचिए कि हम सुहाना को कैसे ढूंढे। अब कोई मुझे बताएगा कि कहां है सुहाना? राधा बुआ, सुहाना भाभी, सुहाना का फोन आया लगता है। एक मिनट, कोई नहीं उठाएगा, मैं बात करता हूँ सुहाना से। हेलो सुहाना बेटा। सुहाना बेटा नहीं, मैं सुहाना का डैड बोल रहा हूँ। डैड है? आलोक भाई साहब, आप चौंक क्यों गए? मैं वाजपेयी बोल रहा हूँ, आपका समधी। क्या मामू, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बैंक से फोन है क्या? चुप कर भैया, क्या है, किसका फोन है? सुहाना का बाप, वाजपेयी साहब का, वाजपेयी साहब का फोन है। बात करो। भगवान, अब हम क्या बोलेंगे उन्हें? हेलो 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 वाजपेयी साहब, कैसा चल रहा है आपका यूरोप का ट्रिप? आलोक भाई साहब, मैं यूरोप में नहीं हूँ, मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ। आप धीमी आवाज से बात कर सकते हैं? वो तो वापस भी आ चुके हैं। वैसे घर में सब कैसे, सब ठीक तो है? मतलब
तुम्हारी सुहाना बेटी कैसी है? सुहाना तो शिवराम के साथ वो ईशान के साथ बाहर गई है। क्या बात है, मतलब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हेलो 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 आलोक भाई साहब, आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है। हाँ लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूँ। हेलो 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 भैया कट गया फोन, कट गया। ससुराल गेंदा फूल स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।